वर्षों पहले अनुपुर में राम नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक गधा था, वह उसे लल्लू के नाम से पुकारा करता था। राम नमक की बोरी गधे पर लाद कर शहर की ओर जाया करता था। शहर जाने के लिए उसे नदी पार करनी होती थी। लंबे समय से एक ही रास्ते से रोज आने जाने के कारण लल्लू रास्ता अच्छी तरह से पहचान गया था। राम को जब विश्वास हो गया तो वह गधे पर बोरी लाद देता और उसे शहर के एक दुकानदार के पास अकेले ही भेज दिया करता था। शहर में एक व्यापारी उसकी बोरी उतार लेता था। लल्लू उसी रास्ते वापस लौट आया करता था। एक दिन जब लल्लू पानी में उतर रहा था तो नमक की बोरी थोड़ी सी पानी में भीग गई, जिसके कारण थोड़ा नमक पानी में घुल गया, जिससे बोरी का वजन कम हो गया और लल्लू को बहुत आराम मिला। इस तरह उसे पता चल गया कि बोरी के पानी में भीग जाने के कारण वजन कम हो जाता है, तो लल्लू हर रोज यही काम करने लगा। एक दिन शहर के व्यापारी को पानी से भीगी बोरी को देखकर थोड़ा सा शक हुआ, तो उसने उसे तौल कर देखा तो नमक कम निकला। इस पर उसने एक कागज पर सारी बातें लिख कर बोरी में रख दिया। यह सुनकर राम चौंक गया और उसे दिन उसने गधे की पीठ पर बोरी लाद कर उसका पीछा किया। तो जब उसने गधे को पानी में डुबकी लगाते हुए देखा तो वो भी उसकी सारी चालाकी समझ गया और इस पर उसने अगले दिन गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई रखा और रवाना कर दिया। गधे ने इस बार पहले की तरह ही जैसे ही पानी में डुबकी लगाई तो वजन कम होने की जगह और बढ़ गया। अब तो गधे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जैसे तो तैसे वह पानी में से निकला और पहुंचा। फिर उसने आगे से कभी ऐसा काम नहीं किया। हेलो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कभी हमें आलसीपन नहीं करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट भी कीजिए अच्छा लगा हो तो वीडियो।